lift off normal pivot here tracking. We have a majestic lift off of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. Chandrayaan-3 successfully launched ho gaya. Ye India ke liye kitna proud moment hai. लेकिन इसको सक्सेस मनाने के लिए सिर्फ तालियां काफी नहीं है। ये मिशन सिर्फ इसरो का नहीं, पूरे भारत का है। तो हम अगर वहां जा नहीं सकते, घर बैठे कैसे इस मिशन में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? तभी मुझे एक आइडिया आया, तो फिर मैं शुरू हो गया। मेरे पास जो भी मटेरियल्स थे मैंने उसे यूज किया। यहाँ पे बड़ा पेपर मेरे पास नहीं था, तो मैंने A3 साइज 2 पेपर को ज्वाइंट किया और इसमें मैंने मिक्स मीडिया यूज किया है। थोड़ा पोस्टर कलर यूज किया है, थोड़ा वाटर कलर यूज किया है, थोड़े पेंसिल स्केच यूज किए हैं। तो मैंने भी ठान लिया कि इस मिशन को सक्सेसफुल बना के रहेंगे, हम चंद्रयान 3 को चांद पे पहुंचा के रहेंगे। अगर आप भी इस मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो कमेंट में बस जय हिंद लिख दो और इस वीडियो को शेयर कर दो। इतना शेयर करो कि ये वीडियो इसरो तक पहुंच जाए, ताकि उन्हें भी लगे कि वो अकेले नहीं है, पूरा भारत उनके साथ है। मैं 2 साल 9th और 10th में NCC में रहा हूँ, तो मुझे बहुत फील होता है पेट्रोटिज्म का, कि जब भी भारत के लिए कुछ करने की बात आती है तो अंदर से बहुत ही जुनून सा, बहुत ही हैप्पी फील होता है। इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, उस टाइम पे मैं NCC का पूरा फुल ड्रेस पहन के जाता था परेड में, काफ़ी अच्छा लगता था। और ये प्रोजेक्ट बनाने में मुझे वही फील आ रहा था। तो क्या आपने भी कभी NCC में भाग लिया है? कॉमेंट में लिख के बताना। इस प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे कल पूरा रात लग गया, उसके बाद सुबह भी, दिन में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि पूरी तरह से परफेक्शन में जाए। बाकी आपको कितना परफेक्शन लग रहा है, आपको कितना अच्छा लग रहा है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना। ये आइडिया जस्ट मेरे माइंड में आया, मैंने कहीं से देखा नहीं है। हाँ, मे बी हो सकता है कहीं होगा, बट मैंने कहीं से रेफरेंस नहीं लिया है। तो एक बात मैं डेफिनेटली कहना चाहता हूँ, अभी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके प्रोजेक्ट में या असाइनमेंट में ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा। चंद्रयान 3 के कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ टॉपिक ज़रूर मिलेगा, कुछ आर्टवर्क बनाने के लिए, कुछ क्राफ्ट बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने ये क्राफ्ट एक बनाया, ताकि आपको अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी हेल्प मिले। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को बना के ले जाते हैं अपने स्कूल, कॉलेज, जहाँ भी, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ, अगर वहाँ पर कॉम्पिटिशन हो रहा होगा तो विनर तो आप ही होंगे। इसके अलावा मैं और भी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो प्रोजेक्ट में टॉपिक्स मिलते हैं उसके ऊपर बहुत सारे पेंटिंग पोस्टर्स बनाता हूँ और ऑलरेडी बनाया भी हूँ। बच्चे उसको देख के ड्राइंग करते हैं और अपने कंपटीशन में उसको बनाते हैं और फर्स्ट प्राइज़ लेते हैं। उसका बहुत सारा कमेंट मिलता है, बहुत मैसेज करते हैं मुझे बच्चे, मुझे शेयर करते हैं कि सर आपके वीडियोस देख के मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला, मुझे 100 में से 100 मार्क मिले या इतना मार्क्स मिला, इस तरह से मुझे मैसेजेस आते रहते हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को विजिट करके ज़रूर देखना। आप चाहे स्टूडेंट हो या आपके बच्चे हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो उनको आप शेयर करें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे आने वाले प्रोजेक्ट में बहुत सारे टॉपिक मिलने वाले हैं, एग्ज़ाम्स में, असाइनमेंट में। हाँ, इसको बना के अगर आप असाइनमेंट में जमा करते हो, आपका जो भी रिजल्ट है कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर बच्चे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जहाँ भी कटिंग के लिए कटर का यूज़ हो रहा है या ब्लेड का यूज़ हो रहा है, तो आप खुद नहीं कट करोगे, आपके पास कोई बड़ा है, आपके भैया, पापा, मम्मी, तो उनको देना कट करने के लिए। अदरवाइज़ आप सीजर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको भी केयरफुली यूज़ करना। फाइनली हमारा ये मिशन कंप्लीट हो गया है। तो ये है बिहाइंड द सीन। वीडियो आपको कैसे लगी, क्राफ्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि इसरो तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।